मुंगेर में अपराधियों ने सरकारी शिक्षक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। चाकू गर्दन पर लगने से शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी, इसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही जांच। दरअसल मुंगेर के पूरब सराय थाना अंतर्गत दिलीप बाबू धर्मशाला के समीप गुरुवार के देर शाम करीब 8 बजे पूरब सराय निवासी सरकारी शिक्षक रवीश कुमार पर अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला किया और चाकू गर्दन पर लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर अस्पताल में घायल रवीश कुमार ने बताया है कि शामपुर निवासी पप्पू और रंजीत ने उनके गर्दन पर चाकू से उस समय हमला किया जब वो दिलीप बाबू धर्मशाला स्थित दुकान पर बैठकर एक आदमी से बातचीत कर रहे थे, तभी उनके गर्दन पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे पहले भी रंगदारी की मांग को लेकर दोनों उन पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। घायल रवीश कुमार मध्य विद्यालय बिहिमा तारापुर में पदस्थापित है। सदर अस्पताल में उपचार के दौरान घायल शिक्षक का बयान कोतवाली थाना पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है और मामले की जांच कर रही है। मैं अपने दुकान पे बैठा हुआ था, उसके पूर्व मैं जब अपनी बीवी का आधार वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए गांधी चौक पे गया था, तो वहाँ पे जाकर के वो लड़का जो है साइकिल से जा रहा था। इससे पूर्व भी उस लड़के ने 10 साल पूर्व उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी का डिमांड किया था। उधर से लौटने के बाद वो उधर से क्रॉस कर रहा था, मैंने उसको देखा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर जब मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ पे पप्पू और रंजीत जो पूर्व में मेरे साथ मारपीट हुई थी वो अगर के मुझे बहुत ही गौर से और गिरजा करके देख रहे, मैंने लगा क्या बात है, तो उसमें मेरे साथ गाली गलौज करने लगा और दुख लेने की बात की। फिर उसके बाद जब मैं अपने दुकान पर आ करके बैठा लघु जगह पूरब सराय की धर्मशाला के पास, तो मैं बैठा हुआ था और अपने एक मोहल्ले के ही आदमी से बात कर रहा था, तभी पीछे से आकर करके 10 साल पूर्व जिसने मुझसे रंगदारी की मांग की थी उसने चाकू से मेरे गला देखने की पूरी प्रयास की, जिसका सारा फुटेज मेरे सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया। और इन दोनों तीनों की संलिप्तता साफ स्पष्ट हो रही है कि इन तीनों के षड्यंत्र से मुझ पर आज जो है जानलेवा हमला किया जाए, मारने का ही पूर्ण प्रयास किया गया था, इसमें कोई कहीं कोई संदेह नहीं है। और पूर्ण रूप से मुझे एकदम 2 बार 3 बार जो है मेरे करके की गर्दन पे तेज धार चाकू से वार किया गया। ये पप्पू हैं, वो भी पहले जाकर के पूरब सराय में रहते थे, अभी जाकर के राज स्वीट्स मुर्गिया चौक पे वो मिठाई की दुकान चलाते हैं। रवीश कुमार मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ, पहले तारापुर में मैं पदस्थापित हूँ, तारापुर में बिहमा गाँव मध्य विद्यालय बिहमा का मैं शिक्षक हूँ। मेरा घर पूरब सराय मुंगेर में है।